नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों आज दी वीडियो दे विच एचसीएफ एंड एलसीएम दा पार्ट 2 करांगे। लघुत्तम ते महत्तम दा पार्ट 2। पहली वीडियो दे विच आपां सारा बेसिक पढ़िया सी, किवें लघुत्तम पता करना हुंदा, किवें महत्तम पता करना हुंदा, ते ओहदीआं कुछ टाइप्स करियां सी। अज दी वीडियो दे विच इस टॉपिक नूं अग्गे लैके चलांगे। अपनी वीडियो दा सब तों पहला क्वेश्चन है, देखो कहिंदा 5 बेल्स स्टार्ट रिंगिंग इन द इंटरवल ऑफ 6 7 8 9 12 सेकंड रिस्पेक्टिवली। पांच घंटिया ने एक इकट्ठिया बजनिया शुरू कर दिया ने, पांच घंटिया ने एक साथ बजनिया शुरू कर दिया ने, ते कहंदा 6 7 8 9 12 सेकंड बाद बजदी है। मतलब पहली घंटी 6 सेकंड बाद बजूगी, अगली घंटी 7 सेकंड बाद बजूगी, अगली घंटी 8 बाद, अगली घंटी 9 बाद, अगली घंटी 12 सेकंड बाद। पांच घंटिया इकट्ठिया बजनिया शुरू कर दिया ने, ते ओह इन्ने इन्ने टाइम दे इंटरवल बाद की हुंदिया ने, बारी बारी बजदिया ने। After how many seconds? तक किन्ने सेकंड बाद they will start ringing at the same time? तक किन्ने मिनट किन्ने सेकंड बाद वो इकट्ठियां बजनगियां? क्वेश्चन की कहना चाह रहा है, पांच घंटिया इकट्ठियां बजदियां ने, बजनियां शुरू कर दियां ने, हर एक घंटी अपने अपने टाइम दे इंटरवल दे अकॉर्डिंग बजदी है, ते वो किन्ने सेकंड बाद इकट्ठियां बजनगियां। हुण दोस्तों इदां दे क्वेश्चन दे विच एचसीएफ लेना या एलसीएम लेना है, कई बच्चों नूं ये बहुत दिक्कत आती है, तो सब तो पहला की करया करो, ऑप्शन देखा करो। ऑप्शंस थोड़ियां जे तो होनगियां छोटियां, मतलब जिहड़ियां वैल्यूज ने ये, तो जे ऑप्शन छोटी होगी, जे छोटी होगी तो एचसीएफ लेना, जे ऑप्शन बड़ी होगी तो की लेना एलसीएम। कल आपां देखिया सीगा पहली वीडियो दे विच भी जिहड़ा एचसीएफ है वह हमेशा छोटा हुंदा हुंदा, एलसीएम हमेशा की हुंदा हुंदा बड़ा। तो कुछ नहीं सोचण दी लोड़, सीधा ऑप्शन देखो। ऑप्शन जे थोड़ियां बड़ियां होनगियां तो मतलब की लिया होया, लघुत्तम लिया होया, तो थोड़े कोले की लिया होया एलसीएम। बट जे थोड़े कोले ऑप्शन छोटियां ने तो की लिया होया महत्तम, फिर की लिया होया एचसीएफ। तो हुण आपां इस दा एलसीएम लवांगे 6 7 8 9 12 दा। देखो आपां एलसीएम कीवें लैंदे सी, सब तो पहला छोटी वैल्यू जिते कटदे हुण 2 ते 2 ते 6 गया 3 ते 7 कटदा नहीं, 7 दा 7 8 गया अपने कोले 4 ते 9 कटदा नहीं, 12 गया 6 ते, फिर उस तो बाद जे आपां घटा दईए 3 ते 3 गया 7 गया 4 कटदा नहीं, 3 ते 2 ते, उस तो बाद जे फिर घटा दईए 2 ते 1 7 2 3 1 अपने कोले आ बच गई, हुण इह आपस च कटदे नहीं, चाहे इहनूं इद्दां ही कट दो 1 1 2 3 1, चाहे उत्थे ही गुणा कर दिंदे 1 1 1 3 1, फिर 3 ते सारे की हो गए लास्ट 1 1 1 1 बन गए। इहनां दी आपस की कर दांगे दोस्तों, गुणा कर दांगे, अपने कोले की आ जाऊगा आंसर 3 2 6 6 2 12 12 7 12 7 अपने कोले किन्ना हो गया 84, 12 7 84, 84 गुना 6, 84 गुना 6 6 चौका 24, 8 6 48 49 50, किन्ना आंसर आ गया अपने कोले 504। मतलब 504 सेकंड बाद सारियां घंटियां की बजनगियां, दोबारा इकट्ठियां बजनगियां, अगले 504 सेकंड बाद फिर घंटियां की बजनगियां, इकट्ठियां बजनगियां, तो आ अपने कोले की आ गया आंसर। इस तरीके नाल क्वेश्चन नूं सोल्व करना हुंदा, की करना है ऑप्शन देख लेनी है भी ऑप्शन छोटी है या बड़ी है, उस अकॉर्डिंग चलना है। तो जो भी रिंग्स वाला क्वेश्चन आ गया, बस इतना ध्यान रखियो रिंग्स वाला क्वेश्चन आ गया, रिंग्स वाले क्वेश्चन के विच हमेशा एलसीएम लेना होता है, रिंग्स वाले क्वेश्चन के विच हमेशा की लोगे लघुत्तम लोगे। तो आसी दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिंग वाले क्वेश्चन के विच हमेशा की लोगे लघुत्तम एलसीएम, जिमें रिंग वाला क्वेश्चन कई बार इस तरीके नाल भी पा दिंदा हुंदा। देखो क्वेश्चन है, जिमें आपां कोई क्वेश्चन लैणे आ इस तरीके दा, 6 bells स्टार्ट टू रिंग एट द सेम टाइम, 6 बैल इकट्ठियां बजनियां शुरू कर दियां ने। After they, after that they ring, after that they ring, after a gap of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds, how many times will they ring together in 30 minutes, 30 minutes, 30 मिनट दे विच किन्नी बारी दोनों
सारिया घंटिया इकट्ठिया बजन गशन च गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होंगे ने। ऑप्शन ने जिमें दोस्तों ऑप्शन है चार दस ऑप्शन चार दस पंद्रह एंड सोलह आह अपने को चार ऑप्शन ने आपने पता करना है। हम देखो HCF नहीं आऊगा कई बार जो दिमाग च आ रहा होगा कि यदि ऑप्शन छोटिया ने HCF एड भी नहीं आऊगा HCF लिखो दो चार छे अठ दस बारह अपने महत्तम कढ़िया सी कढ़ना सीखा सी जे लघुत्तम जे महत्तम आंदा भी महत्तम की वैल्यू किन्नी आंदी दो दे टेबल से सारे कट देने तो दो आंदा दो अपने को ऑप्शन है नहीं तो लघुत्तम तो महत्तम तो आ ही नहीं सकता HCF तो आ ही नहीं सकता कि उन्हें किन्ने टाइम पूछे ना कि टाइम बाद बज रही ने ता करके अपने HCF नहीं आऊगा। रिंगा हमेशा की लैना थोड़ा दस LCM तो पहला दो चार छे अठ दस से बारह का की लै लो LCM लै लो जो आप LCM लैने देखो दो चार छे अठ दस से बारह का दो दे पहाड़े कटे एक दो तीन चार पाँच छे फिर दो दे पहाड़े कटे एक एक तीन दो पाँच तीन जे तीन दे पहाड़े कटे एक 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 दो पांच एक फिर दो दे पहाड़े से कट दो एक 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 पांच एक पांच दे पहाड़े से कट गए एक 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 तो पांच दूनी दस दस ती आ तीह तीह दूनी साठ साठ दूनी कि आ गया 120 सैकेंड बाद दोस्तों की बजन गया इकट्ठिया 120 सैकेंड का मतलब की हो गया दो मिनट देखो 120 सैकेंड का मतलब की हो गया दो मिनट हो गया क्योंकि 60 सैकेंड का एक मिनट होंगे तो दो मिनट बाद सारिया सुई सारिया घंटिया की होनगियां दोबारा बजनगिया उन्होंने पूछे 30 मिनट च किन्ने बारी बजनगिया 30 मिनट च किन्ने बारी बजनगिया कई बच्चे की करेंगे देखो दो मिनट बाद बज रही है तो 30 मिनट च किन्ने बारी बज गई 15 बारी बज गई तो 15 टाइम्स आंसर लगाएंगे बट यह आंसर की है गलत है। यह गलत क्यों है क्योंकि स्टार्टिंग से भी एक बार की बजिया सी इकट्ठिया बजिया सी जो आप टाइम शुरू किया उदो भी सारिया घंटिया की बजाई सी इकट्ठिया तो 15 टाइम यह बजी एक बार स्टार्टिंग वाली टोटल आंसर की आऊगा 16 टाइम जे वह कह दिता भी पहली घंटी नहीं जोड़नी फिर 15 लेंदे बट जो उन्हें कुछ नहीं दिता उन्हें टोटल घंटिया पूछिया ने तो पहली घंटी जोड़नी ना भुलियो क्योंकि जो टाइम स्टार्ट किया उदो भी घंटिया की बजिया सी इकट्ठिया बजिया सी जे हर एक दो दो मिनट बाद फिर घंटिया इकट्ठिया बज रही ने तो टोटल की आंसर आ गया अपने को 16 बार सारिया घंटिया की बजनगिया दोबारा बजनगिया तो आसी दोस्तों अज की वीडियो का सैकेंड क्वेश्चन नैक्सट चलते हैं अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 307 एंड 330 एंड लीव्स रिमाइंडर 3 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन है 19, 17, 16, 23। दोस्तों आ क्वेश्चन है कहंदा केड़ी सब तो बड़ी संख्या है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर सब तो बड़ी संख्या दसो सब तो बड़ा नंबर दसो जेड़ा डिवाइड करता होवे 307 नूं जेड़ा भाग करता होवे 307 नूं ते 330 नूं अते डिवाइड करन तो बाद किन्ना शेष बचे रिमाइंडर किन्ना बचे 3 एंड 7 रिस्पेक्टिवली मतलब जो 307 नाल डिवाइड किया जाए तो 3 रिमाइंडर बचे जो 330 नाल डिवाइड किया जाए तो किन्ना शेष बचे 7 शेष बचे। हुण दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन किवें करना होंगे 307 नाल जो मैं डिवाइड किया 3 ज्यादा बच रहा है मतलब 3 की अपने को एक्सट्रा है जे मैं 3 घटा दा मतलब 304 की होगा पूरा कटता होगा जो मैं 330 नाल डिवाइड कर रहा तो कि शेष बच रहा 7 शेष बच रहा मतलब पूरा कि वंडिया जाता होगा 323 मतलब 304 भी पूरा वंडिया जा रहा 323 भी पूरा वंडिया जा रहा है। हुण इन्हां दा जे आपां ने किहड़ा नंबर डिवाइड करदे जे इह चीज़ चैक करनी है तो इन्हां दा जिहड़ा अपने कोले डिफरेंस आ उह लै लो 323 ते 304 दा डिफरेंस किन्ना हो गया 19 तो दोस्तों आंसर की आ गया 19 के पहाड़े से 304 भी कट दूगा 19 के पहाड़े से 323 भी कट दूगा चाहे कटा के देखो 19 जे मैं 304 से कटाऊंगा किन्ने से कटूगा 16 से जे 19 323 से कटाऊंगा किन्ने से कटूगा 17 से
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 19 ਆ ਗਿਆ ਆ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ अगला सवाल है इन अ गार्डन देयर आर 75 मैंगो ट्रीज 90 लेमन एंड 120 ऑरेंज ट्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल इन ईच रो हरेक रो दे विच ट्री ने जेड़े ओ की ने बराबर बराबर ने एंड वैरायटी इज आल्सो सेम ते वैरायटी भी की है सेम है Find the minimum number of rows. Find the minimum number of rows. अब ऑप्शन है 19, 29, 15, 99 की कहता है कहता एक बगीचे दे विच 75 मैंगो ट्री ने 75 आम दे पेड़ ने 90 की ने अपने को ले लेमन ट्री ने 90 नींबू दे ते 120 संतरे दे पेड़ ने हुन कहता अपने कोले प्रत्येक हर एक क्यारी दे विच नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो रो दा मतलब हर एक क्यारी दे विच अपने कोले पेड़ां दी संख्या जेड़ी ओ की है बराबर है पेड़ां दी संख्या हर एक क्यारी दे विच सेम है ते जेड़ी वैरायटी है किस्म भी है ओ भी की होगी अपने कोले सेम होगी हर एक अपने कोले पेड़ दी किस्म भी होगी एक रो दे विच एक प्रणाली दे विच ओ भी सेम होगी तो बताए क्यारियों की कम से कम संख्या तां किन्नियां अपने कोले क्यारियां होणगियां जदों भी दोस्तों इदां दा क्वेश्चन आ जाए हमेशा की फाइंड करना हुंदा है एचसीएफ जो भी क्यारी वाला क्वेश्चन आ जाए एचसीएफ क्योंकि अपने बंडना है अपने देखना है भी किन्ने 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 पेड़ आन एक मतलब अपने एक छोटा हिस्सा लेना है छोटा हिस्सा लवेंगे तो मतलब की लवेंगे एचसीएफ तो हम देखो 75 90 ते 120 दा एचसीएफ किन्ना होगा पहले तो 15 दे पहाड़े ते सारे कटदे ने 15 5 75 15 6 90 15 8 120 ਉਨੇ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਆਂਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸੀਐਫ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15 ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੀ ਲੱਗਣਗੇ 15 ਟ੍ਰੀ ਲੱਗਣਗੇ ਇੱਕ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇੜ ਲੱਗਣਗੇ ਦੋਸਤੋ 15 ਪੇੜ ਲੱਗਣਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਆਰੀਆਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਐਫ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ पेड़ पता लगे भी एक क्यारी दे विच किन्ने पेड़ लगणगे 15 हुण क्यारियां किन्नियां ने किवें पता करांगे देखो अपने कोले 15 पेड़ लग रहे ने अपने कोले मैंगो दे किन्ने पेड़ ने 75 पेड़ ने जे एक क्यारी दे विच 15 पेड़ लगणगे तां किन्नियां क्यारियां हो गईयां 75 बटा 15 किन्नियां क्यारियां हो गईयां 5 क्यारियां हो गईयां ऐ 90 नूं जदों आपां वंड करांगे किन्नियां क्यारियां आ जाणगियां 6 जदों 120 नूं वंड करांगे किन्नियां क्यारियां आ जाणगियां 8 ਤਾਂ 8 ਤੇ ਜੇ 14 ਤੇ 5 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋਸਤੋ 19 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 19 ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ 15 ਹੀ ਟਿੱਕ ਲਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਗਲਤ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 19 ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਪੇੜ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਆ ਪੁੱਛਦਾ ਫੇਰ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ 15 ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅ ਮਿਲਕ ਸੈਲਰ ਹੈਜ਼ 21 ਲੀਟਰ ਮਿਲਕ ਆਫ ਕਾਓ 42 लीटर मिल्क एंड 62 लीटर मिल्क
if he packs them in tin box, in such a way that every box has same quantity, जदों भी same quantity वाला question आ जाए हमेशा HCF पता करना है, has same quantity, find the required minimum number of box. अपन ने पता की करने ने minimum number of box पता करने ने option है 3, 6, 9, 12 आह ऑप्शन है दोस्तों कहना एक मिल्क सेलर एक दूध बेचने वाले को ले 1 लीटर मिल्क 42 लीटर ते 62 लीटर मतलब तीन ही हिस्से आंदे विच ओदे कोले मिल्क है ओदे कोले दूध है अपने कोले सॉरी 63 इन्ने लीटर मिल्क है उन्हें उन्हें पैक करना है बराबर बराबर इन सच अ वे दैट एवरी बॉक्स है सेम क्वांटिटी हर एक बॉक्स दे विच किन्नी किन्नी क्वांटिटी आवे बराबर बराबर क्वांटिटी आवे तो उन्हें किन्ने बॉक्स दी लोड पौगी पिछले वाले क्वेश्चन दे नाल दा सेम है इनू खुद ट्राई करके वीडियो दे नीचे कमेंट करके दसियो किन्ना आंसर आऊगा नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन अगला सवाल है दोस्तों यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स क्योंकि यह मेंसुरेशन वाले टॉपिक च भी आंदा हुंदा है व्हिच इज पेव्ड एग्जैक्टली a rectangular room courtyard या floor कह लो of length 66 meter and breadth 48 meter कहना एक कमर है जिदी लंबाई किन्ने मीटर है 66 meter ते जिदी चौड़ाई किन्ने मीटर है 48 meter एक कमरे का जेड़ा फर्श है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਟਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਈਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2x2 ਦੀ ਟਾਈਲ ਹੈ 4x4 ਦੀ ਟਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਰੂਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਲੈਂਥ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ 66 ਤੇ 48 ਦਾ ਐਕਸੀਐਫ ਲੈ ਲਓ 66 ਤੇ 48 ਦੋਨੋਂ ਕਿਸ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਮਰਾ 66 ਤੇ 48 ਦਾ ਐਕਸੀਐਫ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 6 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 11 8 6 48 ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਗੀ 6x6 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਲ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਗੀ 6x6 ਦੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਲਸ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 66 * 48 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ 6x6 ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿਓ 11 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 8 ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਦੋਸਤੋ 88 ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ 88 ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो इस तरीके का क्वेश्चन आना होता है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3 एंड द एलसीएम इज लघुत्तम देता अपन 54 फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर कहिंदा दो संख्या दा अनुपात है जेड़ा ओ किन्ना है 2:3 दो संख्या दा अनुपात देता 2:3 ते लघुत्तम देता आपां नूं किन्ना देता 54
दोहें जेरे नंबर ने उन्हां दा की पता करो योगफल दोहां नंबरां दा जोड़ पता करो। तो हम देखो दोस्तों रेशो अपने को ले 2:3 है, मतलब एक नंबर 2x हो गया एक 3x हो गया। तो जे दा एलसीएम लवांगे 2x ते 3x एलसीएम लवांगे दोहां च कॉमन की है कल्ला x है, फिर 2 ते 3 बच गया, 2 ते वंडिया 1 3 फिर 3 ते वंडिया किन्ना बच गया 1 1 तो लघुत्तम किन्ना आ गया, गुणा कर दांगे आपां इन्हां दी लघुत्तम किन्ना आ गया अपने कोले 6x। लघुत्तम अपने को है कि बराबर 54 के बराबर, तो दोस्तों x की वैल्यू आ जूगी 9, 6 का 54 होंगे x की वैल्यू आ गई 9, मतलब पहला नंबर कि आ गया 9 × 2 = 18, यह नंबर कि आ गया 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27। हम उन्हें पूछे दोहां नंबर का जोड़, तो 18 ते 27 का जोड़ कर दो, 18 ते 27 का जोड़ कि हो गया 8 × 7 = 15, 45, दोहां नंबर का अपने को जोड़ कि आ गया 45। तो इस तरीके दोस्तों क्वेश्चन आते होंगे ने, पहली वीडियो के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करे सी, नैक्सट वीडियो करे, इस तो बाद आप PDF सोल्व करा, PDF तो पंजाबी दे विच भी मिलूगी इंग्लिश दे विच भी मिलूगी, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो उस तो बाद नैक्सट टॉपिक चलांगे। थैंक यू सो मच।